और यहाँ पे बहुत बेहतरीन, यहाँ पे गोगो अपनी रेड पे लंबे कद के खिलाड़ी गोगो, देखना होगा पॉइंट लेते हैं या नहीं। राहुल अपनी रेड पे काफी अच्छी फिटनेस है, यहाँ पे राहुल के काफी अच्छा फुटबॉल दिखाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट रेड यहाँ पे बहुत बेहतरीन यहाँ पे तारीफ करनी होगी। गो को अपनी रेड पे, यहाँ पे पिछली रेड में कमाल किया राहुल ने, बहुत अच्छी तरीके से मिड लाइन तक पहुंचे और यहाँ भी ये बोनस है या नहीं ये देखना होगा। बोनस प्लस 2 पॉइंट राजपुरा को मिले हैं, पिछली रेड 3 पॉइंट, ये रेड भी 3 पॉइंट की। ये मौका है डिफेंस के पास, मल्टीपल पॉइंट लिए, अभी इस रेड में थोड़ा संयम बरतेंगे क्योंकि पिछली रेड में अच्छे पॉइंट इनको मिल गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीमा खेलने का प्रयास रहेगा क्योंकि बोनस नहीं है, टच पॉइंट ले सकते हैं। और यहाँ पे फुटबॉल दिखाते हुए लास्ट 10 सेकंड डिफेंस को हिलाते हुए, और यहाँ सेल्फ आउट यहाँ पे हुए हैं। लॉबी में अगर विदाउट कॉन्टैक्ट आप जाते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये रूल रहते हैं। और राहुल पिछली रेड में कमाल किया था, यानी कि मल्टीपल पॉइंट लिए थे, इस रेड में पकड़े गए हैं। बहुत बेहतरीन डिफेंस यहाँ पे राजपुरा का, यहाँ पे थोड़े से पजल हो गए थे राहुल, क्या करना है क्या नहीं, करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया और पकड़े गए। यहाँ पे रणनीति कुछ और थी, लेकिन पीयूष अपनी रेड पे अच्छे खिलाड़ी हैं, पीयूष काफी चतुराई से पॉइंट बटोरने की कोशिश करते हैं, डिफेंस को मौका नहीं देते ज्यादा, और अगर पॉइंट आसानी से ना आए तो सेफ खेलने का प्रयास करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है और इसमें बाबा चक्कू और ये राजपुरा की टीम हमारे सामने, और बहुत बेहतरीन मैच होने वाला है इससे, ये वाला भी और इससे अगला वाला भी, और उसके बाद फाइनल का रोमांच आज आप देखेंगे हमारे इस जिला स्तरीय शायर मेले में, इस सीनियर वर्ल्ड इस टूर्नामेंट में। और ये 99 बहुत बेहतरीन है यहाँ पे, अभी कुणाल अपनी रेड पे, अभी देखते हैं यहाँ पे पॉइंट लेके जाते हैं या फिर कुछ नई रणनीति के साथ, क्योंकि राजपुरा रणनीति अगर अपनाता है तो फिर डू अटाई की और रणनीति अपनाता है, धीमा खेलने का प्रयास करते हैं मैक्सिमम टाइम, और राजपुरा डू अटाई भी खेलता है ताकि गेम को थोड़ा सा स्लो किया जा सके और उकसाया जा सके दूसरी टीम के रेडर्स को, ताकि वो पॉइंट वो टोड़ने के लिए जद्दोजहद ज्यादा करें। राजपुरा की करो या मरो की स्थिति, पॉइंट बटोरना पड़ेगा, बोनस नहीं है, 5 खिलाड़ी सिर्फ मौजूद, और जब 5 खिलाड़ी होते हैं तो ज्यादा मुश्किल रहती है, क्योंकि डिफेंस अगर टिका होता है तो पॉइंट ले जा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अभी पीयूष के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, समय कम होता हुआ और यहाँ पे पॉइंट बटोरना बहुत जरूरी होता हुआ, और यहाँ पे डू ऑर डाई में फंस चुके हैं, यही चंबुल होता है डू ऑर डाई का कि रेडर को मौका ना, और ये भी इनकी भी डू ऑर डाई रेड, मैंने कहा था कि ये डू ऑर डाई की रणनीति रहती है, क्योंकि राणा जी अपनी रेड पे, और पिछली बार ये हमारे स्टेट चैंपियनशिप में फाइनल में दोनों टीमें भिड़ी थी और इसी तरह रणनीति अपनाई थी दोनों टीमों ने कि डू ऑर डाई भी खेलें।
और यहाँ पे पॉइंट निकाला है, पॉइंट निकाला है। सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल मुकाबला, कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच, और उसी बीच हमारे बोनस और एक पॉइंट बटोरा, दो पॉइंट अपनी टीम के लिए बटोरे। मैच की फिर से शुरुआत होते हुए रवि, ये मौका गोगू के पास है। यहाँ पे राणा जी अपने रेड पे, अब देखते हैं बोनस तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या रणनीति से पॉइंट बटोरते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑल राउंडर खिलाड़ी हैं। ये बहुत बेहतरीन यहाँ पे, अच्छा डिफेंस यहाँ पे, गोलू को सिर्फ यही चीज पकड़ सकती है। बराबरी पे स्कोर चला हुआ है यहाँ पे, बहुत कड़ा मुकाबला दोनों टीमें जद्दोजहद करती हुई, एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद यहाँ पे दोनों टीमों का, और बहुत कड़ा मुकाबला, और एक एक पॉइंट बटोरते हुए, ज्यादा लीड नहीं, बराबरी भी मैच चलता हुआ, और इस मैच की खूबसूरती। अभी सुपर टैकल का मौका राजपुरा के पास, अब देखते हैं सुपर टैकल होते हैं या कि नहीं, यहाँ भी मौका था लेकिन मौका गवा दिया है, और पॉइंट बटोरा है बाबा जगू के खिलाड़ी ने, राहुल ने बहुत अच्छा यहाँ पे तकनीक अपनाई, अच्छा उछाल सीधा मिड लाइन के पास पहुंचे। यहाँ पे पीयूष अपनी रेड पे, अभी यहाँ ऑल आउट की स्थिति बनती हुई राजपुरा के ऊपर, ऑल आउट अगर हो जाते हैं तो लीड हो जाएगी बाबा जगो के पास, पर अभी लीड बरकरार है बाबा जगो के पास। लास्ट 10 सेकेंड यहाँ पे पकड़े गए, स्कोर पहुंचा है 14-8 इन फेवर ऑफ बाबा जग्गू, और गोगो अपनी रेड पे पिछली बार पकड़े गए थे, ये गलती की है, ये गोगो ने अच्छी रणनीति अपनाई, कहते थे कि ये ऊपर आएंगे। फर्स्ट हाफ यहाँ पे कंप्लीट शुरू हो चुका है, पहला सेमीफाइनल राजपुर और बाबा जग्गू, अभी देखना होगा। ये बहुत आसानी से राजपुर को एक पॉइंट मिला है, चा, 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 चा,
यहाँ पे हमारे रेफरी की तारीफ करनी होगी, एक तरफ हमारे सजीव सर, दूसरी तरफ हमारे आशीष सर, दोनों छोर से लगे हुए हैं। और तीसरे भी हमारे मनोज सर अच्छी ट्यूनिंग के साथ स्कोर डेस्क पे बातचीत करते हुए स्कोर बताते हुए 11-16 इन फेवर ऑफ बाबा जो को राजपुरा के पास मौका है। अभी ज्यादा आपको भी लीड नहीं है, ये तोड़ा गोगो की फिर से तारीफ करें हैं, बहुत बेहतरीन, धीरे धीरे करके तिनका करके अपनी टीम के लिए पॉइंट बटोरने की कोशिश गोगो की। और यहाँ पे राणा जी अपने रेट पे मुझको राणा जी माफ करना, देखते हैं राणा जी माफ करते हैं या फिर पिछली बार भी आसान सा पॉइंट बटोरा था अपने स्किल से, बहुत बेहतरीन तरीके से रेडर, बेहतरीन रेडर। अभी तक डिफेंस को ज्यादा मौका नहीं दिया है इन्होंने, और ये मौका दिया अभी, बोलने की देरी थी और लोगों ने मौका दे दिया। और यहाँ पे 99 छक्के भी अपनी रेड पे, अभी तक ज्यादा पॉइंट नहीं बटोर पाए अपनी रेड में। ये यहाँ पे पहले से भांप लिया था रेडर को, पहले से भांप लिया था रेडर, जैसे अंदर जाएगा वैसे स्कोर 20 बाबा जोगो 13 राजपुर। Thank you.
पूछ ही जाना। हाँ बोलो। लास्ट 10 सेकंड। ये गधे ना से बुझ गए। फाइनल है। गो 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 गो। कौन है लंबा है? ये लोग ना डिप्लोमा ले लिया। खेल बाकी, स्कोर पहुंचा है 21-14 इन फेवर ऑफ। जल्दी से पहुंचे, समय बहुत कम है, उस पढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे अच्छी रेड, टाइम आउट राजपुरा। पांच अंकों का फासला यहां पे। बहुत बढ़िया, यहां पे बहुत बढ़िया। गोगो की तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम यहाँ पे पॉइंट बटोर रहे हैं। सिर्फ चार अंकों का फासला, 3 मिनट का खेल बाकी, सिर्फ 4 अंकों का फासला। अभी ऑल आउट होते हैं तो मुश्किल स्थिति में जा सकते हैं। राजपुरा, ये अगर पॉइंट राजपुरा का होता तो ये खेल का स्कोर कुछ और होता और रोमांच कुछ और होता। लेकिन अब ये अब जल्दी जल्दी खेलने का प्रयास रहेगा। 3 मिनट से कम का समय बचा है और लीड अभी बरकरार है बाबा जोगो के पास और स्कोर पहुंचा। लास्ट 2 मिनट का खेल बाकी, आखिरी 2 मिनट हमारी सेकंड सेमीफाइनल मैच अल्फा अकेडमी और तेला। 2 मिनट में जल्दी से आ जाएं, इसके ठीक बाद 2 मिनट से कम का समय बचा हुआ है। अभी गोगो अपनी रेड पे और सिर्फ एक एक पॉइंट देंगे, ये जानते हैं समय की कीमत क्या है। 5 अंकों की लीड सिर्फ, 5 अंकों की लीड सिर्फ। बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे रेफरी का। यहाँ भी सेकंड सेमीफाइनल मैच मां जालपा। फाइनल मैच विशाल भारद्वाज और बलदेव जी की टीम का होने वाला है, तो जल्दी से दोनों